हेलो गाइस वेलकम बैक टू हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कल हमारा मंडे है मार्केट ओपन होने वाला है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कल मार्केट एक वापस से एक बड़ा मोमेंटम हमको शो कर सकता है जिसके लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा दो मिनट में जानेंगे कल का पूरा हाल क्या मॉर्निंग में कर सकते हैं कैसे प्लानिंग करनी है बट उससे पहले हम जाएंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर जिधर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देता हूँ साथ में जो मैं अपने मेंबर्स को ट्रेड देता हूँ वो दिखाता हूँ उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो आपको देखने को मिलता है मेरी हीरो जीरो की ट्रेड जो रहती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है सो so देट आपको समझ में आ पाए मैं जो काम करा रहा हूँ वो पैसा बनवा रहा है या नहीं बनवा रहा है आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप यहाँ पे आ जाइए आपका फायदा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर लास्ट डे हमने 49,500 के ऊपर स्कल प्लान करने को दिया था मॉर्निंग में और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 49,500 जो हमारा लेवल निकला तो उसके बाद हमारा मार्केट 49,900 तक गया था तो आपका फायदा है चाहिए ज्वाइन करिए एंड ये उम्मीद मत करिए कि फ्री में आपको ट्रेड मिलेंगे क्योंकि दिक्कत पता है क्या है फ्री ट्रेड देने से दिक्कत नहीं होती अगर चीजों को आप समझोगे नहीं ना तो आप फ्री ट्रेड में भी लॉस ही करोगे है आपको आइडिया ही नहीं है कि मैं किस तरीके से काम करवा रहा हूं तो आपको मैं कुछ बोल दूंगा आप ले लोगे स्टॉप लॉस का आपको पता नहीं होगा किस तरीके से एंट्री करनी है, आपको पता नहीं होगा आपको अल्टीमेटली वहां भी कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में तो पहले सीखो समझो उसके बाद काम करो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं था जितना निफ्टी बुलिश था एक परसेंट की तेजी थी और ये साइडवेज मार्केट था हमारा बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन ठीक है हमारे पास या तो मार्केट इस रेंज में ओपन हो या इसके नीचे ओपन हो या इसके ऊपर हो ओपन हो ठीक है जैसा मार्केट क्लोजिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं लेकिन आज पीएम मोदी लेंगे तो हो सकता है कि कल मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो जाए लेकिन हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम पहले करेंगे वेट देन करेंगे वॉच और उसके बाद करेंगे अपना एक्शन जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम गैप अप ओपन होते तो हम वेट करेंगे देखेंगे मार्केट क्या पूरा गैप पांच दस मिनट में फिल कर दे रहा है या फिर नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल जैसे कि इतनी बड़ी ये देखो कैंडल बनी यहाँ पे ट्रेंड लाइन था सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर निकल गया तो हमें कुछ इस तरीके का कल देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो नीचे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है गैप फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है या सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें थोड़ा सा देख के काम करना पड़ेगा कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये चीज का भी आप ध्यान रखना है क्योंकि हम वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं ओके निफ्टी ज्यादा बोलिश है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी लेकिन बैंक निफ्टी दो कैंडल बनाएगा 200 200 पॉइंट की और ये देख, दे, देखते हुए नजर आएगा इस एरिया में आपको काम नहीं करना है दिस इज योर साइडवेज जोन इसमें मैं बोलूंगा अवॉइड करो जब तक मार्केट 49,700 के नीचे नहीं आता पुट साइड में मत जाना एंड मार्केट हमारा 40,000 49,900 या फिर फिफ्टी के जब ऊपर सस्टेन करेगा तो हम कॉल साइड में प्लान करेंगे ज्यादा कुछ नहीं है सिंपल प्लानिंग के साथ काम करेंगे और वही रिजल्ट मैं आपको कल अपने टेलीग्राम पर भी दिखाऊंगा कि हमने कैसे ट्रेड बनाया आपका काम है वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो टेलीग्राम को ज्वाइन करो कमेंट सेक्शन जो पूछना चाहते हो पूछ लो बाकी डिटेल वीडियो मैंने कल डाली है परसों डाली है। पीएसयू स्टॉक बताए उनको जरूर जाके देख लो थैंक यू सो मच